उमरिया जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरिया वकेली के प्रभारी प्राचार्य गुलाब रोहिणी अपने 62 वर्ष की आयु में पूर्णकर सेवानिवृत्त हुए। रोहिणी के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय में विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं एवं जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने गाँव के प्रभारी प्राचार्य की विदाई कार्यक्रम में बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली और प्रभारी प्राचार्य का भव्य स्वागत किया और विद्यालय में शिक्षक छात्र छात्राएं एवं जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने प्रभारी प्राचार्य को शाल श्री फल और उपहार भेंट किए। वहीं इस अवसर पर ग्रामवासियों ने कहा कि यह हमारे गांव के शिक्षक ही नहीं, हम सब के परिवार के सदस्य जैसे रहे हैं, जो गांव के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। उनका उज्जवल भविष्य बनाने की ही महत्ती भूमिका अदा की है। वहीं प्रभारी प्राचार्य गुलाब रोहिणी ने अपने सेवा काल पूर्ण होने पर कहा कि मेरी पदस्थापना ग्राम उमरिया में हुई थी और यह सेवा काल के 20 वर्ष में मेरी कार्यकाल में कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। विद्यालय के छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सदैव प्रयास किया गया है और गाँव के लोगों ने भी मेरा अच्छा सहयोग किया है। ग्रामवासी और बच्चे सभी मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं। आज मुझे उन्हें छोड़ने पर भी बहुत दुख हो रहा है। वहीं इस विदाई समारोह कार्यक्रम में जिला पंचायत उमरिया के सदस्य सावित्री मोजीलाल गांव गणमान्य नागरिक विद्यालय के शिक्षक सहित ग्राम वेल्दी बगेहा बतोर सुखदास कसेरू सहित कई अन्य जगहों के शिक्षक व जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। उमरिया के मानपुर से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट।